एवरीवन अस्सलामु अलैकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। जिस तरीके से आपको मेरी खुशी दिख रही है, मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि सुफियान ने मुझे इतना अच्छा स्पेशल फील करा। कल अल्हम्दुलिल्लाह टच हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी मच्छी उनसे नाराज हो गई, क्योंकि उन्होंने मेरे को पूरा दिन दे दिए कल का। और आज हमारे घर में एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है, अब मुझे थोड़ा सैड फील हो रहा है। बिकॉज यस, मैं भी अगर सुफियान की जगह पे होती तो मैं भी यही कर रही होती जो अब सुफियान कर रहे हैं। तो सुबह सुबह हमें दिखी है कुछ तो बहुत ही अनहोनी घटना हुई है हमारे घर में। तो ये देखिए, ये है वाकया है मर्डर की जगह, सॉरी मर्डर नहीं, क्या हुआ है उसको? हादसा हो गया है गाइज। यस, शी इज नो मोर विद अस। ही और शी? ही इज नो मोर विद अस। तो गाइज, 20 दिन तक मेरे बेचारे हस्बैंड ने बहुत ध्यान रखे, इतना हो सकता था अपनी पूरी जान लगा देते। एक दिन तो पूरा दिन इसको दिए, कुरला से वी फास्ट करके दवा मंगाना, ऑक्सीजन मंगाना, मम्मी लोग से टाउन से इसके लिए खाना मंगाना, बट इसने ना खाई ना इसने टैंक का मजे ली और बेचारी चले गई। अब सुफियान का हाल देखो, अभी क्या हो गया तुमको? कुछ भी नहीं हुआ, इसी थोड़ा मूड खराब हो गया। आज सुफियान का तो मूड भी नहीं कर रहा था व्लॉगिंग करने का ना। कैमरा निकाल के रखा था सब निकाल के रखे, बट जैसे ही देखे ये चीज तो वैसे ही मूड ऑफ हो गया। और गाइस, आप लिटरली यकीन नहीं मानोगे, एक लड़का सुबह उठते साथ ही मच्छी के पास आके बैठता है। कोई नहीं सुफिया, अपन दूसरी मच्छी लेकर आ जाएंगे। क्या हो गया इसमें? कुछ नहीं, चलो अभी चीयर अप करो, उसको निकालो वहाँ से। माय गॉड, सैड हो गया। मम्मा मैं तुमसे नाराज हो गई, तुम मेरे पे ध्यान दिया ना कल इसके लिए। कोई नहीं, अपन दूसरी ले करेंगे, इससे बड़ी ले करेंगे। वो बच्चे लोगों को कैसा मनाते हैं अपन? नहीं, पापा ऐसा नहीं खोलते, इससे बड़ी ला के देगी मम्मा तुमको, है ना? चलो अभी उठो अच्छे बच्चों की तरह, बिचारी को निकाल दो अभी। चलो निकाल के टैंक खाली कर रहा हूं। बाबुल की दुआएं लेती जा। नहीं, अभी भी उम्मीद है, बट अच्छे उम्मीदों पे दुनिया कायम है। सुना कुछ बीमारी हुई ना कुछ हुआ? बीमारी हुई है उसको बेचारी, इतनी प्यारी थी यार, मालूम फर्स्ट डे पे ही नजर लग गई थी पागल इसको। तुमने सबको भेज दिए थे फोटो वोटो, बोले देखो मेरी मच्छी। गाइस, इसको हो गया था वाटर शॉक एंजाइटी, जिसको बोलते है, जो इंसानों को भी होता है। अब क्या कर सकते है, अब कुछ नहीं कर सकते सुफियान, जो नसीब में लिखा होता है वो होके रहता है। और गाइस, एक तो बात तय है कि हमारे घर में आए दिन हम लोग दोनों में से कोई ना कोई बीमार होते रहता है। हमारी मच्छी ने पूरी बला आफत ले ली अपने पे, तो कोई नहीं, पेट्स हमेशा ऐसे ही करते हैं, अपनी पूरी बला आफतें जो घर पे होने वाली रहती है, जो घर के मेंबर्स पे होने वाली रहती है, वो अपने आप पे ले लेते हैं। पर ये मच्छी बहुत बेशरम है, ये मस्त मोला मच्छी है, ये इसको खाना दो नहीं दो ये अपना मस्त चलते रहती है। मतलब फाइटर मच्छी सबसे बेस्ट है, मैं इनको बोल रही हूँ कि पूरे टैंक में मच्छियों से फाइटर मच्छियों से भर देते हैं। नहीं रहती है, एक दूसरे को मारेगी तो देख के तो आएगा, मजा आएगी ना। छोड़ो अभी, क्या छोड़ो? अरे सुफियान ने पूरा बालकनी को मच्छी का सेटअप बनाया, पूरा मैंने सेटअप लाके रखा था इसका। कोई नहीं, होता है जाने। पाइप लेकर आए सूफी ने, और ये देखो दोनों ये इतने बड़े बड़े बॉटल लेकर आए, उसको बिस्लेरी पानी, वो सोचो। मैं जब बोलती थी बीबी मैं सिर्फ बिस्लेरी पीती हूँ, हाई फंडू लड़की हो तुम, तो मच्छी के लिए बराबर लाए तुमने। कोई नहीं छोड़ो, अल्लाह की जो मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है, क्या कर सकते है अभी। चलो आ जाओ, आज मेरे लिए क्या करने वाले हो? मैं तुम्हारी मच्छी बन जाऊं? पानी के अंदर जाके बैठू? अरे यार सुफियान, तुमको कितना मनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं यार। कौन बोला मनाने में को? मैं थोड़ी बच्चा दूध पीता कि मैं तुमको मनाने की जरूरत पड़ी। अभी तुम फिर मच्छी के पीछे पड़ गए, अब तो नहीं है टैंक तो खाली करने, तो बास आएगी पानी में, पागल। ओके, जिसकी जैसी मर्जी, हम तो चले बेडरूम में सोने। मैंने बहुत ट्राई करी गाइज उनको मनाने की, अब उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते, नहीं तो उनको स्ट्रेस कोट की जरूरत पड़ जाएगी, यू नो। मेरा आज मन ही नहीं कर रहा है व्लॉग लेने का, मैं पता नहीं मतलब क्या ही बोलूं, मुझे समझ ही नहीं रहा, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। मैं मच्छी जिसको मैं इतना प्यार कर रहा था 20 दिन से, उसके पास से उठ नहीं रहा था, मैं उसकी इतनी देखभाल कर रहा था, बट अल्लाह की मर्जी जो थी उन्हें उसे बुला ली अपने पास, तो चलो कोई बात नहीं, जाने वाला चला गया। बट गाइस, यहाँ पे मैंने अभी टैंक साफ करके रख दिया, पूरा नमक वमक डाल के अंदर पूरा क्लीन कर दिया टैंक को, ताकि जब मैं नई मच्छी लेके आऊँ तो उसको ये प्रॉब्लम ना हो जो प्रॉब्लम अभी हुई। मे भी हो सकता है कि वो क्लोरीन वाले पानी की वजह से प्रॉब्लम हुई हो। चलो गाइस, चलो अभी छोड़ो, इसके बारे में बात नहीं करते, बहुत अपसेट हो गया मैं। गाइस, हम लोगों से मिलने आए हैं अरसलान और आरती यहाँ पर। बेचारा मेरे भाई बहन ने दही लाए मेरे लिए, जो मैं मेरे आदमी को बोल रही हूँ इतने टाइम से लेकर आने, मुझे कड़ी खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, बट ये लड़का जाके लेकर ही नहीं, वो अभी भी टैंक के पीछे व्यस्त हो गए। अरे निदा, लेकिन मैं तुम मेरे पीछे क्यों पड़ जा रही हो? बोला तो मैं दही लेके आता हूँ। अब मच्छी नहीं आएगी? नहीं आएगी, नहीं नहीं आएगी बोल रही हो? नहीं आएगी बोल रही हो? मछली लेकर आना पापलेट, अगर नहीं समझ में तो तल के खा लेंगे। थोड़ी पलेगी सी वॉटर है ना, मस्ती कर रहा हूँ, तुम्हारा भरोसा, तुम तल के खा भी लो। अच्छा कल नहीं आया, कल आता तो मेरे को सुफियान भाई के लिए बुरा है। हाँ बुरा तो मेरे को भी लग रहा है, क्या करूँ, एकदम तुम्हारी शक्ल की थी मच्छी मालूम, एकदम इधर
इतना बड़ा हेड है। लेकिन आज तो मैं एक बात समझ गई हूँ, ध्यान दो भी अल्लाह की जो मर्जी वो मर्जी क्या कर सकते। और अरसलम मैंने नई नई टिप्पणी दी है, बोले ये दही तुम्हारी कड़ी खिचड़ी में जाएगी नहीं, दही खट्टी होनी चाहिए। बासी नहीं भाई, प्रेग्नेंट औरत को बासी चीजें कैसे खिलाए तुम, कैसे हस्बैंड बनोगे भाई? छी बोलू पहली बात तो मेरी बीवी अगर दही मांगेगी तो मैं ऑन द स्पॉट जाके लेकर आऊ। एक इतना चिल्ला के बोली जैसा कि मैंने कुछ किया ही नहीं इसके लिए। रुको रुको कोई आया भाई, दरवाजा क्यों ठोका, घंटी क्यों नहीं मारा किसी ने, दरवाजा ठोके ये लोग ने। मेरे को लगा घर में चोरों चक्के आ गए, लेकिन सही में चोरों चक्के ही थे वैसे तो। दिखाएंगे ना अभी क्या मतलब, किस चीज की गलत फहमी है भाई, पंजे में तो मेरे से हार जाता है, काय की बॉडी बना रहा, काय की बॉडी बना रहा, मैं तुमको जिता दिया। चलो ठीक है। सो गाइस अरसलम मैंने कुछ लिखे हमारी मच्छी के लिए, बताओ अरसलम भाई क्या? सिर्फ तुम्हारा मूड लाइट करने के लिए ब्रो। अच्छा, आरआईपी मच्छी बाबू, रख दो। अरे मैं उसको प्यार से बाबू मच्छी के लिए यहाँ रख दो। अभी आप लोग कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट फिश हम लोगों को कौन सी लानी चाहिए, एग्जॉटिक चाहिए जो दिखने में खूबसूरत लगे, ठीक है गाइस, कमेंट करके बताओ। निधा मैडम का टाइम हो गया है जूस पीने का, तो उसको जूस लाया गया है, उसकी खातिरदारी चलती रहती है पूरा दिन, कभी उसको जूस कभी फ्रूट्स कभी। आप लाते हो? मैं नहीं लाता हूँ, मतलब मैं सामान मंगवाता हूँ, मैं मंगाती हूँ सुबह में उठ के। निधा यार थोड़ी तारीफ कर दो मेरी, मैं तुम्हारी कितनी तारीफ करता हूँ यार, दही नहीं लाए तो तुम पूरी जिंदगी सुनाओगे। मैं तुमको चार दिन से बोल रही हूँ दही ला। छोड़ो भाई छोड़ो, दिमाग की दही हो गई है मेरी यहाँ पर। अरे तुम्हारे को तुम्हारा मूड थोड़ा सही बात है, सही बात है, सही बात है। प्लीज मुझे मेरा आदमी बहुत अच्छे से रखता है, बहुत सारी चीजें लाके देता है। नहीं नहीं सफाई मत दो, मैं सफाई तुम्हारी खिदमत नहीं चाहिए, थैंक यू, मैं बात कर लूंगा अपना। तो गाइस मुझे भी इतनी जोर से, मुझे भी, अरे यार क्यों चिल्ला रहे हो? मैं चिल्लाऊंगी चिल्लाने से पता ना मेरे को पेट में दर्द होता है। चलो चुप हो जा, मेरे को भूख लग रही है, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं खाने के बाद ही बात करूंगा, ठीक है? तो मैं खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। चलो ठूसो जूस। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना हो गया है और निधा मैडम को लस्सी चाहिए ही चाहिए, बोलो तुम नीचे जाके क्यों नहीं लेके आए, तो मैं तभी जाना भूल गया था सीरियसली। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि दही बची हुई थोड़ी असला मैंने चला है, तो मैं लस्सी बना दूँ उसके लिए घर में ही, ताकि मुझे ही पता चला कि लस्सी रहती कैसा, थोड़ी मैं भी पी लूंगा है ना। इसके साथ साथ ना मुझे भी क्रेविंग होती, पता नहीं क्यों यार, मैं तो प्रेग्नेंट नहीं, हो नहीं सकता, कुदरत के खिलाफ है तो यार। वाह गाइस वाह, हमारी मेड ने क्या करी, ऊपर से खोलने की जगह नीचे से फाड़ी, मैंने ऊपर छोड़ा नीचे सब गिर गया है। देखो मैं कुछ काम करूं और तोड़फोड़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो गाइस मैंने अभी यहाँ पर ग्राइंडर रख दिया हूँ और इसके अंदर मैं अभी थोड़ा सा दूध डालूंगा, शक्कर डालूंगा, देखते हैं लस्सी बनती है कि नहीं बनती है। वेट अ सेकंड, लस्सी गाइस बन चुकी है और मैंने थोड़ी लस्सी इसको भी चकाया हूँ मैंने ग्राइंडर मिक्सर वगैरह को, ताकि वो लोग को भी चक के पता चले कि लस्सी बराबर बनी है। फाइनली बन चुकी है गाइस, थैंक यू। गाइस मेरी लाइफ में कुछ चीज कभी अच्छी क्यों नहीं होती है, क्यों मेरे साथ ही क्यों? लस्सी पीने के लिए मैंने ग्लास निकाला, ग्लास हाथ से मेरे छूट गया, पूरा क्रैक हो गया। निदा को खुशखबरी सुना के आता हूँ। निदा टूट गया। चलो कोई नहीं, खाली स्लिप हो गया हाथ से, बला टली, मेरे नसीब में ही लिखा हुआ ये सब। हाथ में लग जाएगी कांच? नहीं नहीं लगेगी, थोड़ा जाके रख दो, फेंक दो, फेंकना ही पड़ेगा, रख के क्या करूँ उसको अभी मैं, जाएगा अभी सीधा ये डस्टबिन में। जिंदगी में ना कभी भी एक बात याद रखना, घर औरत के बिना नहीं चलता है, घर में अगर औरत ना हो तो ये हाल होता है। इतनी साफ सुथरी से मैं सोचा था कि बनाऊंगा, बट क्या करेंगे, आदत से जो मजबूर है हम। तड़ंग तड़ंग तंग तड़ंग डंग 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 डंग, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। लो पियो मेरे हाथ की लस्सी और बताओ कैसी है। प्लीज इसमें कुछ कांच वाच तो नहीं? नहीं नहीं कांच वाच नहीं है पागल, तुमको लगता है कि मैं तुमको कांच पिलाऊंगा? नहीं लगता। हाँ पी के बताओ, पी के बताओ। गलती इंसान, गिरेगी गिरेगी, बस भरी हुई है फुल, ऊपर तक नए तक भरी हुई है। क्या हो गया, पतली हो गई? शक्कर कम है, शक्कर डाला अच्छी खासी। भाई इंसान के मुंह में मिठास होनी चाहिए, इंसान की बात में मिठास होनी चाहिए, लस्सी में क्या है, तुम्हारे होठ कड़वे में क्या करूं। तो गाइस मैं अंदर से आई और ये तुम क्या कर रहे हो, साफ सफाई? साफ सफाई कर रहा है तुम्हारे लिए मैं। अल्लाह सो, अरे अरे साफ सफाई कर रहा हूं। ये साफ सफाई कर रहे हो? इसको खुद को लेटना था, इसमें मजा आ रही है ना, क्या रिलैक्सेशन है निदा यार, ऐसा ये प्रॉपर बना दूंगा, ऐसा पैर रखने में नीचे चले आ गए इसमें ऐसा लेट। तो मतलब ये पैसा वसूल है तुम्हारे लिए मेरे लिए ना, बात मत करोगे। कौन डिस्टर्ब कर रहा है, फ्लैश लाइट मार रहे, फ्लैश लाइट ऊपर वाला, फ्लैश लाइट मार, मेरा मूड सत्यानाश हो गया। अच्छा मैं बंद कर देती हूँ, सो जाओ, गुड नाइट। जिसका सामान उसको लौटाने के लिए शुक्रिया। अरे कौन भौंक रहा है बदतमीज, कोई और बोल दो।
गाइस ये देखो मैं चैन से 5 मिनट लेटा नहीं के लोग मेरे को परेशान करना है। खुद आके ले लिया। तुम मेरे को धक्का देके लिटा क्यों दिए? हां ये खूब पिता बच्चा है वो धक्का दिए और लल्लल्ल मैं गिर के लेके लेट गया। अरे हां दोस्त अभी तुम यहां खड़े रहो ऐसा धक्का दूंगा तुम भी लेट हो गए। ऐसा जाऊंगा धक्का लोगे गिरूंगा ही ना मैं और बराबर बीच में नहीं गिरूंगा मैं आजू-बाजू गिरूंगा। तुम बराबर इधर उधर के बैठ गए। बच्ची को ऐसा कैसे रखे? हां दोस्त को दो लाफा दो एक चाचू हो कुछ संभालने होता है कि नहीं। वैसे मैं छोटे बच्चे को पकड़ नहीं पाता हूँ ज्यादा। सेम यार ब्रो मैं तो आज तक नहीं पकड़ा छोटे बच्चे में। पकड़ूंगा तो अपना ही बच्चा पकड़ूंगा इंशाल्लाह। तुम भी पकड़ा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो गाइस पहले शादी तो सर गाइस उस दिन हम लोग ने ईशान के बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट की वो क्लिप डालना हम लोग भूल ही गए। तो भाई तुमको यहीं पर बर्थडे विश कर दूं फिर से। मैं केक तो खिला चुका हैप्पी बर्थडे टू यू ब्रो। ट्रीट तुमने ट्रीट गले नहीं मिलूंगा जब तक ट्रीट नहीं आई जब तक बात नहीं करने का। सब सब मिलेगा भाई टेंशन मत लो। आरती से कैसा मांग के ट्रीट लिए तुमको? हां कैसा मांग के ट्रीट लिए तुम लोग से लिए भाई। वही तो तुम चाचा ट्रीट चाहिए चाचा अमिता अमिता दीदी की देखो देखो क्या होता है बच्चा बोलेगा ये चाचा है कि मामू है। सो गाइस सुफियान जा चुके हैं जिम और मस्त मुझे खाना वाना सब दे के गए। जिम जाते ही मुझे उनकी इतनी याद आने लगी कि मैंने उनको बोली तो उनने मुझे वीडियो कॉल बोले ऑन रख। देखो गाइस ये जिम कर रहे हैं और मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ। I mean, बात नहीं सिर्फ उनको देख रही हूँ। सो क्यूट ना कैसा हंस रहा था कैसा कर रहे थे को अटक गया। अरे सुफियान अटक गया। सो गाइस फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ और नीता मैडम की आपने हरकत तो देख ली है। मैं जिम कर रहा था मुझे वीडियो कॉल करके बोलती मुझे बोर हो रहा है मुझे तुमको देखना है तो मुझे देख रही जिम करते हुए। चलो व्लॉग को अभी यहीं पर एंड करते हैं गाइस। बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि मेरी मच्छी के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है और कोई नहीं इंशाल्लाह अच्छी मच्छी लाएंगे। लेकिन आप लोग कमेंट करना नहीं भूलना कि हमें कौन सी मच्छी लानी चाहिए। नीता बोल रही कि डिस्कस फिश लाते बट मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फ्लावर होनी चाहिए फिर से क्योंकि उसका ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। एंड करते हैं क्या बोलते नीता एंड कर दूं? बोलो बस क्या तुम्हारा बोर्डम मिटा दो फिर आते क्या कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आपके व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू अल्लाह हाफिज। गाइस बच्चों वाली फीलिंग मेरे को अभी से दे रही मालूम एकदम।